गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक देसी तमंचा और 200 रुपए नकद बरामद किया है। अभियुक्त की पहचान सुनील सोनकर पुत्र सुभाष सोनकर उर्फ भुवाल सोनकर निवासी खड़ेसरी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, हमराही उप निरीक्षक रंजीत कुमार तिवारी, कांस्टेबल रामाराम अशोक कुमार यादव और संतोष कुमार यादव के साथ गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त सुनील सोनकर को गोला थाना क्षेत्र के भराव के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक देसी तमंचा और 200 रुपए नकद बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 10 के प्लस हो जाए बस, 11-12 थाना गोला प्रभारी द्वारा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जो कि उसका नाम सुनील सोनकर है और यह गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था। इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके साथ एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। अब ये कई तरह के अपराध थे इस पे और कई लोगों के साथ मिलकर करता था, इसलिए इस पे गैंगस्टर लगा था और गैंगस्टर पे फिर इस पे कार्रवाई हुई है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना शीघ्रता से और भी गिरफ्तारी हो, ताकि कोई भी अभियुक्त बाहर न रहे, जो अपराधी है वो जेल के अंदर रहे।